मेरे मुंह मतलब तले के इसका अल्लादीन वाला क्यों लग रहा है? आइए जो तो एक हाथ देख कहाँ रख रखा है इसने गुंडिया। तो भैया मौजपुर हमारा फुल ऑन तरक्की पे चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि हम क्या लें। ये यार मैंने लवजी को रुला दिया। नजर बट्टू मैं भी हो गया तैयार। किसी ने अगर दोबारा मांगे तो रिव्यू चल रहे। गुड मॉर्निंग, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं एक पॉल्यूशन के साथ। दिल्ली में कितना पॉल्यूशन दिख रहा है तुम्हें? फॉगी फॉगी है। फॉग नहीं है भाई, ये फॉग हो ही नहीं सकता। दिखाऊं मैं आपको? पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा क्या नहीं, धुंध सी दिखाई दे रही है, धुआं धुआं सा। ये देख रहे हो पीछे का, वो भी नहीं दिख रही, वरना एकदम क्लियर दिखाई देता है। अब देखो दूर तक, वहां तक है ना, वाइट वाइट सा दिख रहा है ना पूरे में। आज बहुत ही ज्यादा वो है यार, धुआं पराली वराली जला दी, कहीं से उड़ उड़ के आ रहा है ये धुआं। स्मेल करने में भी वो चीज आ रही है, कुछ जल के कुछ होता है ना, जैसे कुछ जलता है उस टाइप का, जैसे छीलन वीलन सी जलाते हैं वो, थोड़ी भुस टाइप की सी। तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा? है ना, आंखों में भी लग रहा है ना, आंखों में भी लग रहा है भाई। सूर्य भी उस हिसाब से नहीं दिख रहा होगा, आप लोगों को ध्यान से देखो, दिख रहा है ना ब्लर लग रहा है, वरना एकदम क्लियर नजर आता है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, व्लॉग्स में मैं दिखाता रहता हूँ ना सूर्य देवता को। ये कर रही है इत्थे काम अपना, चूल्हे ना की करने लाग रही छोरी तू। आज इसको सफा करेंगे, आज भाई इसको सफा करके यहाँ पर हम कुछ डिजाइन वगैरह बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो भाई लोगो मैं दिखा देता हूँ आपको, आज मेरे चल रहे बाइसेप्स, और बाइसेप्स में मैं क्या लगा रहा हूँ, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। इंक्लाइन बेंच तो मेरे पास में है नहीं, तो क्या करें भाई, जुगाड़ों से करना पड़ रहा है। तो इसमें मेरे सुपर सेट चल रहे हैं डंबल, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स के साथ में डंबल कंसंट्रेशन। अब मैं इसको ऐसे लेट जाऊंगा, कोशिश करूंगा 45 डिग्री पे हो जाए। मैं पकड़ूंगा इधर, देखो ये हां मैं समझ पास्ता है, क्या करें, लेकिन और नीचे तक जाना चाहिए। अब ये इसी इससे पूरा स्ट्रेच होगा आपका बाइसेप्स ना, करके देखना एक बार, ट्राई करके देखना घर पर। मैं पीछे आऊं? नहीं, अब इसके तुरंत बाद हम ये लगाएंगे डंबल कंसंट्रेशन। तो मैं ऐसे ही अपनी एक्सरसाइज को चेंज करता रहता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम रेपिटेशन चेंज होते हैं, और एक्सरसाइज तो मेरी चेंज होती रहती है। पिछली बार मैंने बैक लगाई थी पहले, बाइसेप्स बाद में, इस बार बाइसेप्स पहले बैक बाद में। देखो बस ये डंबल जो है अभी लगा रहा हूँ 5-5 के आ रही है। सॉरी या फॉग सा या बहुत ज्यादा, अब इनसे फर्क पड़ना खत्म हो गया, थोड़ा भारी चाहिए मेरे को। चलो एक ही साथ पे लग गया हमारा, तो ऐसा ट्राई करके देखना और बताना कमेंट में। आ रहा है कुछ भाई, दर्द हो रहा पूरी तरह से। थोड़ी थोड़ी पोजिंग मार लेनी चाहिए, यानी कि कर लेनी चाहिए, कुछ भी सेट लगाओ उसके बाद में ये अच्छा रहता है, क्योंकि और ज़्यादा खिंच जाती है मसल अच्छे से, ठीक है। तो गाइस ये कहीं से लाया, बता तो दो कहाँ से लाया। आज मैं अभी जब मुझे जल्दी आता है, मैं चाय चाय नहीं के लेता है, इसलिए आराम से कोई बात, आराम से ऐसे करो अपनी बेटी, ऐसे करो पहले मौसी को या अनीता मम्मी बोलता है, कोई बात नहीं। अब चला के दिखाओ, चलो देखो इसके पास कितनी अच्छी लाइट बनी, वाह घुमा के दिखाओ जल्दी उंगली में डाल के। इधर आ जा, मेरे पास था चाचू, लग जाएगा बेटी, इधर आ जा, इधर से दे बैठ के, ऐसे नहीं लगे मैं भी ऐसे ही कर रही थी। ये इसके अंदर मशीन होती है, और जब मशीन ऐसे खींचती है तो लाइट जलती है, लाइट जलती है यहाँ पर इसमें मशीन। हर्ष लाइट जला के दिखाना एक बार, ये मुंह देखो दोनों ने लड़ लड़ के क्या हालत दिखाना, मुंह देखो, ये देखो, ये उसके नेल्स मारता है, ये वो इसके मारता है, देखो बाबू क्यों लड़ते हो तुम, भाई भाई आपस में सही सही रहते हैं, ऐसे हेड मैनर्स होता है, मैंने क्या समझा है। मेरे मतलब चूल्हे की रोटी खा खा के टाइट हो रहा। चल ठीक है, वो भुट्टू की जोन, चलो एटीट्यूड तो भर भर के करके चाचू की तरह ऐसे, ये हमारा आ चुका है पार्सल, और देखते हैं कि क्या निकलता है, कौन सा वाला मेरा पार्सल आया है। दो मंगवाए थे, तुम्हारा भी है अभी देख, अभी तुम खोलो, पकड़ जान चाहिए, मेरे हाथ में जान नहीं है अभी, टूटे हाथ होती है, जल्दी से खोलो, तुम तो खुल चुका है, लाओ जल्दी से निकाल के दिखा। बैग में है बैग, ओह ब्राउन वाला, यो मैन आ चुका है, व्हाट इज दिस, ये बिल्कुल तुम्हारी टी शर्ट के मैच का, क्या क्या मंगाया, अच्छा लो
जॉगर है, जॉगर है, जॉगर यार। अरे यार मेरे जॉगर्स हैं, यूज तो होते ही हैं यार घर जॉगर। सही है, कपड़ा है मुलायम सा है लव जी, या जिप वाला नहीं है। अब लव जी वो 700-800 वाले वही वाला कपड़ा है, सेम नहीं नहीं तुम्हारा अलग यार ऐसे ही ना। नहीं अब मेरा ये थोड़ा पतले में मेरा थोड़ा मोटा है। देख इसको चेक कर कैसा लग रहा है, ट्राई करके देख। अभी देखो ट्राई करके देख लो, दोनों लोग निकलो बाहर। चलो अभी चलो दोनों लोग बाहर जाओ, चलो देखना। आते हैं अभी हम, चलो इतने तुम मस्ती तल लो इधर खाने। जरा इधर आके अल्लादीन वाला क्यों लग रहा है, दिखाना नीचे से अल्लादीन वाला। देखो गाइस ये अल्लादीन वाला नहीं लग रहा यार, लोकल में है, तुम भी मजाक ना करो। अल्लादीन जॉगर वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मेरा वाला है। चलो बढ़िया लग रहा है, ठीक है तुम्हें ठीक लगना चाहिए। घर में पहनने के लिए तो मंगाया, कौन सा बाहर। लो हर्षिल सोनी भी आ चुके हैं। हर्षिल सोनी जरा बताओ देख के कैसा लग रहा है जॉगर। अच्छा लग रहा है, देख लो मस्त लग रहा है ना एकदम। और क्या है पैर में, तुझे भी नहीं। ये पायल चमक रही है, पायल मस्त लग रहा है क्या तुमको, तुम्हारे लिए मंगा दूं क्या। देखो भाई मैं बता दूं आपको, ये है तो लाइट, ठीक है गर्मी में भी पहन लो ठंड में भी पहन लो, एज इट्स योर चॉइस, पर ये बहुत सॉफ्ट है। कितना सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है। ऐसे 350 के आसपास का है, 350 रुपए नहीं 300 नहीं सॉरी 326 या 18 ऐसे 350 क्यों 30 रुपए। अब ये हर बात का इनका हमेशा का यही है। ओ भाई साहब हर्षिल देख लो पीछे, तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर सामान लेने के लिए। बाइक चला रहा है, बाइक चलाते हुए बोलते नहीं है। अच्छा, और हम बोल रहे हैं ये इधर मुंह करके बोल रहे हैं ना, 3 बजे भी नहीं करते, 4 बजे बंद करते हैं राधे राधे वाले तो। और कोई नहीं तो फिर रिलायंस फ्रेश चलते हैं, वहाँ से कोकोनट ऑयल भी ले लेना है ना, मेडिसिन यहाँ से ले लो, अगरबत्ती चाहिए अगर अलग से है ना वहीं पे मिल जाएंगी। तो चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पे जाना है। अभी हमारा जहाँ पे जाना था वहाँ पे तो शॉप ही बंद है, यहाँ पे हमेशा रिक्शों की भीड़ लगी रहती है, ई रिक्शों की लगी रहती है ना, बैटरी वाले रिक्शों की। हर्षिल हम कहाँ जा रहे हैं, स्मार्ट पॉइंट क्या कर रहा है, जैसे मैं यूं चला रहा था ना अभी। हाँ। एक हाथ देख कहाँ रख रखा है इसने, गुंडिया ने। ओ एक हाथ से चला रहा है क्या तू, बाइक देख यहाँ रख रखा है कमर पे गुंडिया ने। बिगड़ गए तुम बहुत ज्यादा, हर चीज कॉपी करना है चाची की। चाची की कॉपी कर करके तुम। तो चलो अभी तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने रिलायंस फ्रेश स्मार्ट पॉइंट पे, इतने टिक्की वाला खड़ा और इधर बैंड वाले भी खड़े है ना। चलो चलते जाने आजा, चलता कैसा तुम्हारी तरह ऐट में, कब इतना नहीं सामान लेना है जो गाड़ी ले रहे हो, देख रहे हो लेके कहाँ भटकेगा तू, कह रहा सब ये सब रख लो उठा उठा के। पैसे तू देगा और कौन देगा, वरना बर्तन धुलवाएंगे तेरे से। कहाँ जा रहे हो, इधर आना था। अच्छा ये गुड लाइफ है ना, कभी कभी पुलाव बनाने का रहता है, सब्जी वब्जी दूसरे मंगाती है, लेकिन पूछ लेना यही वाले टाइप के दिखाना, टेक्सचर दिखा दो जिससे मुझे पता चले। जाओ काउंटर से ले आओ जाके, ये वाली ले कोकोनट ऑयल, ये वाला ले लो, ये ले लिया हमने हर्षिल। चले काउंटर पे, या हो चुकी है हमारी बिलिंग, चले घूम रहा है मस्ती कर रहा है फुलोन। हर्षिल बाइक को अच्छे से पकड़ के बैठो, मैं देख रही हूँ यहाँ से, ज्यादा टेंशन में मत लो, मजे से खाएंगे मजे से। किधर जा रहे हो, तो हम आए हैं यहाँ पे जी लैब पर, जी लैब पे स्टोर हमारे मौजपुर पे, तो हम यहाँ पे हम लव जी कुछ विजिट करके कुछ देख रहे हैं, तो इनको कुछ मेडिसिन वगैरह टेबलेट्स वगैरह देख रहे हैं विटामिन की, लेट्स सी। बस मैंने आपको बता दिया है कि मौजपुर में जी लैब है और बाकी लव जी आपको बता देंगे। तो हमारे मौजपुर में खुल चुके हैं जी लैब, जिसको भी दवाइयाँ चाहिए, लाइक जैसे कि अगर आपको बीपी की दवाई चाहिए या शुगर की दवाई बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, तो यहाँ पे सारे जेनेरिक प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हो ऑनलाइन भी, यहाँ से दिखा दो। इधर से सब्जी मंडी वाला है हमारा एरिया, सब्जी मंडी चौक से यहाँ से आ जाना और इधर मोस्को चौक से ले जाना, बहुत सस्ती एरा बोर्ड पीछे से, ठीक है। और ये हमारे भाई ये मिलेंगे आपको, ये इनका कार्ड मंगा सकते हैं और शिपिंग भी। अच्छा है। तो ऐसा मत घबराओ, ब्रांडेड और जेनेरिक दवाई ये ना फॉर होम डिलीवरी ही होती है, समझ गए। अभी ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि ब्रांड पे भाई मार्केटिंग का खर्चा हुआ होता है, लेकिन बस ये लोग मार्केटिंग नहीं करते, तो इसका फायदा आप लोगों को हो रहा है, समझ गए। सर जो थर्ड पार्टी की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो लोग मेडिसिन बाहर से लेते हैं, जो थर्ड पार्टी का जो बेनिफिट होता है वो डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं। हाँ जी, दवाई काफ़ी सस्ती हो जाती है। वही चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो मार्केटिंग का बहुत सारी चीज़ें
मार्केटिंग का मतलब ये नहीं एडवर्टाइजिंग, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर के वहाँ पर जाते हैं बहुत से बैग टांग के और वहाँ लिखवा तो वो भी मार्केटिंग के अंदर ही पार्ट आता है। तो भैया मौजपुर हमारा फुल ऑन तरक्की पे चल रहा है, मैंने तो सुना था भाई उधर ही ये करोल बाग वगैरह में, पर उस दिन मैं यहाँ से मेडिसिन ले रहा था सामने से तब मैंने देख जिला खुल गया बढ़िया। तो आप किसी किसी वेबसाइट पर भी देख लेना जिला, ठीक है ये रहा। बाकी आप गूगल कर सकते हैं जिले गूगल, हाँ बढ़िया। बीपी की दवाई होती है, शुगर की दवाई डेली, ये तो ऐसी एक तरह से यानी कि डेली आपको लेनी होगी, तो फिर उसका कॉस्ट बहुत पड़ जाता है। जो जिम वगैरह कर रहे हैं, देखो मैं एक एडवाइस दूंगा, जैसे आप लोग जिम वगैरह कर रहे हो तो आपके कोच वगैरह भी रिकमेंड करते हैं मल्टीविटामिन वगैरह, तो आप यहाँ से ले सकते हो। और भाई या भाई से फ़ोन पे आप पूछ लेना जो भी आपको चाहिए, वेबसाइट पे देखो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आप गूगल कर लीजिए, आप फोन नंबर ये रहा, देखो व्हाट्सअप करके दवाइयाँ कभी भी मंगा सकते हैं अब हम जा रहे हैं जी लैब से। 90% तक की ऑफ मिल जाती है यहाँ पर, GST वगैरह बिल भी कम मिलेगा। क्लेम कर लेना जो अपनी मेडिसिन के लिए ना, बिल वगैरह भी मिलता है यहाँ पे। यार बहुत ही ट्रैफिक मिलता है हर बार, अच्छी बात है, लेकिन बस सही सही चलते रहना तो मजा ही आ जाएगा। वो तो है, ट्रैफिक का मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जो बड़ी बड़ी गाड़ी है ना उससे ट्रैफिक लग जाता है कई बार। तो चलो अब हर्षिल को कुछ खिलाना भी है और हमें भी कुछ लेना भी है, चले चलो चलो। ये दुआ दो, दिला दो, दुआ दो क्या होता है। चलो उधर आ चुके हैं हम सोनू मोनू बेकरी पे, लेकिन यहाँ पे रोशनी आज कम है। हैं रोशनी भैया कम कर रखी है, अभी जलाएंगे शाम में लाइटें पूरी आगे। इसके लिए वो ले लो लग जी, देखा पता जल्दी बता मेरे को, वो चॉकलेट जो थी क्यूटी पाई ब्यूटीफुल, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या लें, क्योंकि ये मीठा इन्होंने बंद करा है ना, तब से इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, मीठा खाने का मन नहीं कर रहा यार। तो कोई बात नहीं, आप देख लो फिर, ये वाला समझ आ रहा है, इनमें से देखते हैं कौन सा है, दिखाना ये कौन सा है। ये भी सेम ही है, बस इसमें साइज थोड़ा बड़ा है, साइज छोटे और बड़े में। एक काम करो ना फिर ये वाला ही देख, ये वाला ट्राई करते हैं, है ना। यस ये ले घर पे दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, घर पे ही खाना बेटा, ठीक है घर पे खा लेना भैया। नहीं एक परम की है, मैं तेरे को घर पे दूंगा। चलो अभी हमने फिलहाल तो ले लिया सामान और हम चलते हैं घर की तरफ। वैसे तो छींके खांसी आ जा रही है, पर फिर भी इसे ऊट पटांग सी चीजें चाहिए। चलो हम आ चुके हैं घर पर, लेकिन अभी भी ये लव जी और ये हर्षिल शायद नीचे हैं, रुक गए होंगे किसी वजह से, क्योंकि कोई शायद मिल गया होगा। तो चलो फटाफट 4:10 हो चुका है, चाय बनाते हैं और पीते हैं, बड़ी हुड़क लग रही है चाय की लव जी को। हमारे पास में आ चुका है परम सोनी और ये गुंडिया जब से यहीं पर है, और इनके लिए हम तो चलाए थे। चलो आइस क्लोज करो दोनों के दोनों आइस क्लोज, ये पतड़ो, वाओ ये पतड़ो, ये चलो थैंक यू तो बोलो गाइस। मैंने दिलाई है बाबू, चल कोई बात नहीं गाइस को भी कर दे, बोलो थैंक यू चाचू। अब देखो यहाँ नहीं फेंकना बाहर कूड़े में, चलो देख इसने बोला मेरे बाबू ने थैंक यू चाचू। चलो चलो जाओ खा लो तुम दोनों, तूने फिनिश कर दी अपनी चौथने, वेरी गुड। हाँ बाबू छीनते नहीं है, बैड मैनर्स होता है। मैं देखो तुम दोनों की अलग अलग लाया हूँ ना चॉकलेट, उसके लिए मैं अलग लाया हूँ, तुम्हारे लिए अलग लाया हूँ ना बाबू, देखो नहीं छीनते नहीं है, बैड मैनर्स। हाँ बेटे तेरे को सब पता है, मेरे तो तेरी चलाकी ये तेरे दिमाग में नहीं चलते रहती, जो बात मेरे तो सब पता है। मम्मी बताएंगे, मम्मी कैसे लगी हाउस टेस्ट, बढ़िया बढ़िया, मुझे भी अच्छी लगी। मेथी मेथी मठियाँ खा ले भाई, अस्सी बैठे मेथी मेथी मठियाँ, चलो अभी खिला दो, वैसे टेस्ट तो अच्छा है, खिला खा के देख, खा लेगा ये, चलो ठीक है खाओ। अब मठी मांग रहे हैं, क्या होता है बड़ी, टूट गई है लो बराबर है दोनों, ये उसकी है छोटे भाई की। भाई साहब मम्मी ने बना दिया हमारे लिए चावल, क्योंकि मम्मी जा रही है घूमने हमें छोड़ के, बालकों को अपने कह रही है बहुत कर लिया अब जा रही हूँ मैं, देख लो क्या बेहतरीन होना है, घूम रही है देख लो हमें छोड़ के, अरे बहुत कर लिया तुम्हारे लिए मैंने, और तुम 35-40 साल के, बहुत हम मैं घूमूंगी अपने मजे लूंगी रिटायरमेंट के पैसे को पूरा खर्च।
भाइयों ये कर रही है मम्मी का मेकअप, अभी दिखाते हैं आपको, पहले करने दो इनको अच्छे से। तो गाइज मम्मी को तैयार होने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले। इधर मैंने अभी वॉश करके कर रखा और इधर ये आज हमारी हेल्प कराएंगे, ये अभी मम्मी को छोड़ने जाएंगे। मतलब ठीक है ना, हेल्प करा रहे हैं और मम्मी जब पूरा साड़ी वगैरह पहन लेंगी फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तब तक की मैं तैयारी कर लेती हूँ थोड़ा बनाने की, और जब बन जाएंगे छोले वो भी दिखाऊंगी। मम्मी पूरी रेडी हो जाएंगी साड़ी वाड़ी पहन के ना, दिखाऊंगी पूरा लुक मम्मी का और फिर बताना मुझे। यार मैंने लवजी को रुला दिया, सॉरी भाई। मुर्गे वाली पे आ जाए भाई साहब। मुर्गे वाली मुर्गे में तो डलती है थी। चिकन में कह रहे हैं, चिकन में यार बहुत जल लग रही है इसमें तो, देखना आंखों में कितना आंसू आ रहे हैं मेरे। जरा पूछना यार किसी चीज से ना, मैं इससे पूछ दूंगा। आंखों की सफाई होगी भाई। तो गाइस देख लो मम्मी तैयार हो चुकी हैं पूरी, देखो लुक देखो, लुक बेहतरीन सा तैयार किया। बता देना मैंने किया भी है बेहतरीन या नहीं, बस जो भी आता उतना मैंने मम्मी के कर दिया मेकअप। और साड़ी बेहतरीन सी लग रही है, पिंक और ग्रीन कंट्रास्ट, और एक फ्लावर था वो लगा लिया मम्मी ने, बन खुद बना लिया था ये। मैं भी हो गया तैयार, जाने के छोड़ने जा रहे हैं ये। चलो भाई साहब कमेंट कर देना, लेकिन हम बिना मेकअप के नजर बट्टू। नजर बट्टू रहता है ना, पापा है हमें चल लेंगे। चलो तो भाई साहब चलते हैं मम्मी को छोड़ने के लिए नानी के घर, मिलते हैं नीचे। गाड़ी वाड़ी साफ कर लूँ, ऐसे तो साफ ही है। बाइक चमक दी है। मैं छोड़ के आ चुका हूँ मॉम को, ठीक है वो लोग निकल चुके हैं शादी में जा रही थी मम्मी। खाना मैं ला रही हूँ, खाओ। यस उससे रिव्यू लो जाके। ये इसने पहले खाया खाना तो फिनिश भी हो गया मेरा। हाँ तो तभी तो कह रही खा रही हूँ, उससे पता ही चल रहा है बढ़िया बन रहा है। किसी ने अगर दोबारा मांगे तो रिव्यू जल्दी। मम्मी से राइस मैंने बनवाए थे, मुझसे राइस खिले खिले नहीं बनते। हाँ बस पानी का ही मेन है। अब लवजी तो आई गए, तो इसी ब्लॉग पे एंड करो। से मुँह हाथ धोता हूँ फिर मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। चलेंगे तेरे सामने। हाँ ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो। कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। ओके और मम्मी का लुक कैसा लगा उसके लिए कमेंट करना। ये क्या था मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे को ये बताई थी भाई ने, ये और ये क्रैम के लिए। अच्छा तुम्हें जो क्रैम सर्च कर लेना। हाँ मैग्नीशियम लो, जिंक लो, विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी से भी होता था, इसलिए मैं अपना ये डाल के पीने लगा हूँ आजकल, जिससे वो भी दिक्कत ना हो। ठीक है पानी में आधा लीटर पानी में डाल के। टाटा बाय बाय। ओके भूख।